तो शास्त्रों के अनुसार हमारे यूनिवर्स में टोटल 14 लोग हैं, जिनमें से 6 लोग हमसे ऊपर हैं। तो टॉप से शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं सत्य लोग या ब्रह्म लोग। यहीं पर ब्रह्मा रहते हैं और हमेशा एक गोल्डन लाइट से चमकते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इंटेलिजेंस से बनता है। उसके नीचे है तप लोग, जहाँ पर 4 कुमार रहते हैं, जो भगवान की ज्ञान शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ के सभी निवासी अपनी प्योरिटी की वजह से सत्य लोग आराम से आ जा सकते हैं। उसके नीचे है जन लोग, जहाँ पर ऋषि मुनि सिर्फ अपनी सोच से इस भौतिक जगत में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके नीचे आता है महर लोग, जहाँ पर महर्षि लंबे समय की तपस्या से देवताओं से भी बड़े बन चुके होते हैं। और अब उसके नीचे आता है दिव्य स्वर्ग लोग, यहीं पर इंद्र और सभी देवी देवता इंद्र लोक और देव लोक में रिसाइड करते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी से सब कुछ हजारों गुना ज्यादा लग्जूरियस है। उसके बाद आता है बोवर लोक, जिसमें ध्रुव लोक, सप्तऋषि लोक, सभी प्लैनेट, सन, मून, पूरा अंतरिक्ष यानी स्काई, बेसिकली जो भी हमारी आज की टेक्नोलॉजी से दिख सकता है वो बोवर लोक में आता है। लास्ट में आते हैं हम यानी भूलोक, भूमंडल, हमारा अर्थ।